नालागढ़ की गागुवाल पंचायत के अंतर्गत बेला मंदिर गांव में लगने वाली केमिकल फैक्ट्री के विरोध में उतरे ग्रामीण। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ की एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी। एसडीएम को लिखित ज्ञापन देकर कंपनी को न लगाने की उठाई गुहार। ग्रामीणों ने चेतावनी देकर कहा, अगर जल्द नहीं बंद करवाया गया कंपनी का निर्माण कार्य तो करेंगे उग्र आंदोलन। उपमंडल नालागढ़ के तहत ग्राम पंचायत गागुवाल के अंतर्गत बेला मंदिर गांव में लगने वाली केमिकल फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जताया गया और एसडीएम नालागढ़ को एक लिखित शिकायत पत्र देकर कंपनी के निर्माण कार्य को बंद करवाने और कंपनी को गांव में न लगने की गुहार लगाई गई है। शिकायत पत्र पर एसडीएम नालागढ़ ने सभी ग्रामीणों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद अगर कंपनी के प्रदूषण के कारण अगर दुष्प्रभाव होने की बात सामने आती है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कंपनी को गांव में नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल ने ग्रामीणों को दिया है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए ग्राम पंचायत गागुवाल पंचायत के बेला मंदिर के रहने वाले स्थानीय निवासी छज्जू राम कुलविंदर कुलदीप ने बताया कि कंपनी प्रबंधन को सरकार द्वारा सरकारी जमीन लीज पर दी गई है और उसके बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा अपना चोरी चोरी निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस केमिकल कंपनी के कारण पूरे गांव में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जहरीले पानी के कारण चर्म रोग, सांस की प्रॉब्लम, कैंसर एवं अन्य घातक बीमारियां फैलती है, जिसके चलते वह कंपनी का विरोध कर रहे हैं और इस कंपनी को यहां पर न लगाने की एसडीएम नालागढ़ से गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे उन्होंने एसडीएम नालागढ़ को लिखित में शिकायत दी है और इस कंपनी को यहां से किसी अन्य जगहों पर या तो शिफ्ट किया जाए या यहां पर इस कंपनी को नहीं लगाया जाए, इस बारे में गुहार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच में अगर सामने आया कि इस फैक्ट्री के कारण लोगों को नुकसान हो सकता है तो इस फैक्ट्री को यहां पर लगने नहीं दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी कर भी कहा है कि अगर फिर भी प्रशासन और सरकार ने इस कंपनी को जबरन गांव में लगाने की कोशिश की तो ग्रामीण एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस केमिकल फैक्ट्री के लगने के एक दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित होंगे, जिसमें सैकड़ों की आबादी में लोगों को गंभीर बीमारियों से झेलना पड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा है कि उन्होंने YouTube एवं सोशल मीडिया पर सर्च करने के बाद पता चला कि इस फैक्ट्री का दूसरा प्लांट यूपी में लगा हुआ है और वहां पर लोगों का जीना दुर्लभ हो चुका है, क्योंकि वहां पर लोगों को इस फैक्ट्री के कारण गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है और लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। अच्छा, क्या कहेंगे आज इकट्ठे हुए यहाँ पे एसडीएम साहब? जेड़ा ना साडे अपना बेले विच प्लांट लग रहा है, वो सारा प्लांट बंद होना चाहिए कि आने वाले जेड़े साडे बच्चे आ वो बहुत बुरी तरह ना तो जिकड़ा लंगड़े लूजे एकड़ा दे हो जाने, जेड़े साडे आपसी दमे दीयां बीमारियां हो जानी, सानू लोकां नू कैंसर की बीमारी हो जानी, डरे गऊं वास्ते उत्थे गऊं जंद बच्चे लेकर जाते हैं न्याणे, ना तो उत्थे वो जा सकते और नाल साडे पिंड घर भी हैगे आ, साडे बच्चे पड़ोसी आला दुआला पिंड भी होर भी बहुत घर आ, कई 10-12 10-15 पिंड आला दुआला च मेरे ही उन्हां नू बंद कीता जा। कौन सी कंपनी लग रही है? केमिकल प्लांट आज लग रहा गंदा सा प्लांट, गंदा प्लांट है। एक प्लांट पहला बिहार च लग्या वा असी। मेरा नाम कुलविंदर है, पिंड बेले तो आई। यह जो प्लांट है बहुत केमिकल गंदा प्लांट है जी, इथेनॉल का बोल रहे हैं। कल ही इन्होंने ओनर ने भी गल की जो कंपनी ला रहा है, असं उन्होंने एक गल की, वो कहता ऐसा कोई गंदा प्लांट नहीं मैं ला रहा, पर असं पिंडा ने कहा भी तू नहीं ला रहा तो लिख के दे दो। उन्होंने साफ इनकार करते इस बारे में लिख के कुछ नहीं दे सकता, ना ये मेरा प्लांट है ना इस बारे में कोई गल है कि ना है वह इथेनॉल यूज होना। उन्होंने सू लिख के कुछ दिता, इस बहुत ही एसडीएम ऑफिस आए हैं ताकि साढ़े जो अगे जो भी यूपी एक प्लांट यूट्यूब सर्च किया साढ़े मुंडिया ने उत्ते एक साल हो प्लांट इन्ना कुत्ते भयानक बीमारी लग गई, अखा का रोग, कैंसर का, चमड़ी रोग हो गया उत्तर लोगों को, लोग अच्छे रो रहे हैं जी, फसल खराब हो कोई तो उत्तर वातावरण सब प्रदूषित है। इस टाइम एक साल से जी असं उस चीज़ देख के अच्छ साडा ये ना हुआ, अभी इस करके अच्छ इस चीज़ में रोकना चाहते हैं कि साढ़ा जो भी है कैमिकल प्लांट नहीं लगना चाहिए, और कोई प्लांट दवा उसमें रजाबंदी लगाऊंगे, एक प्लांट नहीं लगना चाहिए, साढ़ा ही विरोध है जी। सो ज्ञापन किनको दिया आपने? ज्ञापन सर यहाँ पे एसडीएम साहब के आए हैं, उनको बोल रहे हैं कि उनके पास आए जो वैसे हम सहमत हैं जिन्हें पैसे सामने काम कर रहे।
इथेनॉल कंपनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केमिकल प्लांट नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नालागढ़ में धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केमिकल प्लांट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इथेनॉल कंपनी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं चलेगी, ये धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इथेनॉल कंपनी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोगों की ये धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इथेनॉल प्लांट को बंद करो, बंद करो, बंद करो, इथेनॉल प्लांट को बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इथेनॉल प्लांट बंद करो, बंद करो, बंद करो, इथेनॉल प्लांट बंद करो, बंद करो, बंद करो, उस लिस्ट वास्ते जो प्लान बने थोड़ी एप्रोप्रिएट प्रिकॉशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे, ठीक है, तो अपना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फॉरवर्ड करते हैं। जो पिंड वाले असि गतिरोध है वो ये है जी, कम से कम इनको पता लगे क्या क्राइटेरिया है, क्या दसी नहीं है कुछ नहीं, पूरी गल है, बड़े भाई गल पुछते भाई जी क्या सू फार्म है क्या नेड़े ही लगन लगे किसी किसी दसे भी है क्या है क्या नहीं, और जो टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल करी जाए। दूसरी गल जी सब बच्चों का ग्राउंड है, ये सारी सबमिशन है हाथ जोड़ के ये जो फॉरवर्ड करके क्लीयर करती जाए चीजा, और लोगों को भी सारा प्रोपर दसा जाए। जी एक होर अर्जा जी, साड़ी जी गौ चलान थी जिनी चक सत सौ गब्बा पारती उठा इस टाइम जगह देखो तुम्हें पता है सारी गौ चलान उसे जिथे बना रहे हैं उस जगह पर साड़ी गौ चलान है, सारी गौ चलान तो फिर ट्रांसफर हो जाती है। मैं बुरे बिच भी कई ट्रांसफर होंगी नहीं कभी नहीं, वो उठ से चक सारी की 753 गौ चलान जी। हाँ चलो जी, अभी हमें तो अभी पता चला कि उन्होंने कोई बोर्ड वगैरह आकर तो लगा नहीं रखा, तो कौन सी हमें इधर उधर से पता चला कि यहाँ से एथेनॉल का प्लांट लग रहा है, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं हमें बताया। चलो हमने पूछने के लिए भी गए, सभी जो प्रधान खड़े हैं हमारे जिला परिषद मेंबर भी खड़े हैं, कल भी उन्होंने कोई सफिशेंट जवाब नहीं दिया। पर हमें चलो इंडस्ट्री के थ्रू ये पता चल गया कि वहाँ एथेनॉल का लग रहा है, और उसके जो इफेक्ट्स हैं उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो हमने देखो यूट्यूब जहाँ पर वो लगे हैं वहाँ से जो हमने थोड़ा रिव्यू किया है तो उसके वहाँ पर 4-5 किलोमीटर के दायरे में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स है, क्योंकि चाहे सांस का है कोई भी है, ठीक है ना, और ये बिल्कुल गांव के बीच में लगा के लग दिया। अगर इन्हें लगाना था तो कोई ऐसी सफिशियंट जगह करते अगर आप रुकना चाहते हो कुछ एक लोग बात करना चाहते हो तो बैठना, चलो कोई बात नहीं, 5-7 रुक जाएंगे कोई चीज नहीं, हाँ बैठ जाओ सर, कोई बात बता रहे हो तो हमें टेकअप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, हमारा बस ये हो सके सर एक बार कोई भी विजिट कर ले, मैंने देखी हुई जगह, जगह मैंने देखी हुई है, ठीक है, ठीक है, एक बार जैसे और भी आए ना कंपनी होगी तो सामने का गांव सारा इकट्ठा हो जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं, वहां 700-800 रुपए की जमीन है ना जी, हम लोगों ने वहाँ के गांव के लोगों ने दी इंडस्ट्री, कोई बात नहीं जी, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, डेवलपमेंट की चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट ऐसी तो लगे जो इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट्स ना हो वहाँ के जो लोकल लोग हैं।